we continue our chapter. Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the pupil mind. O proud Brahmin soldiers, do you know that the grace on the bullet you have to bite is made from the fat of the cow and pigs? What the white man had described to us too. अब जो इंग्लिशमैन जो थे उन्होंने इंडियंस को कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई जिसके बाद हमें पता चला कि जो बुलेट्स था उनकी जो ग्रीस निकाली जाती थी वो माउथ से मतलब हमारे मतलब जो इंडियंस थे उनको मुंह से कारतूस खोलने पड़ते थे। तो देखिए ये मतलब एक तरीके से कोई भी अंग्रेज़ ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि जो ग्रीस है वो उसको मुँह से काटना होता था और वो क्या गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था। और कुछ मतलब हमारे जो पर्सन थे उन्होंने कहा कि अरे गोरे लोगों ने तो हमें धोखा दिया है। कोई भी अंग्रेज़ ऐसा नहीं मतलब था कि जो मतलब इस तरीके का काम करता था। तो अभिमानी ब्राह्मण सिपाहियों क्या तुम्हें पता है कि जो कारतूस है मतलब एक तरीके से उनको ना पोक्ड किया जाता था ब्राह्मण्स को। और वो भी कौन करता था जो वहाँ पर गोरे लोग होते थे ना वो खुद तो खोलते नहीं थे और वो क्या करते थे कि वो हमारे जो ये थे ब्राह्मण्स थे उनको पोक करके कि भाई तुम तो ब्राह्मण हो लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा माउथ से तुम्हें ना मतलब अपने माउथ के थ्रू कारतूस को ओपन करना पड़ेगा और जो कि जो ग्रीस है वो मतलब उसको काटना है तो वो उसके अंदर क्या होता था गाय और सूअर की चर्बी होती थी बेटा। और इस तरीके से फिर हमारे इंडियंस जो सिपाही थे उन्हें पता चला तो वो सोचते थे कि इन गोरे लोगों ने तो हमें क्या किया धोखा दिया है। सुन चपातीज वर सेंट फ्रॉम द विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस। अब जो वो थे हमारे कहते हैं ना कि जल्दी ही एक गांव से दूसरे गांव में रोटियां भेजकर ये बताया जाता था कि राजा को उनकी सेवा की ज़रूरत है मतलब अब राजा को नीड है उन लोगों की उनकी सर्विस की। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। हाँ मेरे सभी गाँव के लोग क्या हैं तैयार हैं। फिर देखिए सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेट अमंग इंडियन सोल्जर्स दैट टू द फॉरनर्स द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट। अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे ना मतलब हमने इस चीज़ को देखा कि भारतीय सैनिकों के बीच में कमल के फूल को क्या कराया जाता था घुमाया जाता था सर्कुलेट कर रहे थे। और जो विदेशी अंग्रेज राजा थे मतलब अंग्रेज सिपाही थे उनको क्या कर रहे थे मौत के घाट उतारे थे। और जनता में अब देशभक्ति के लिए पूरी तरीके से क्या हो गया था जो देशभक्त थे हमारे उन्होंने क्या किया कि हमारे को एक तरीके से प्रॉपर वे में ना सहायता देना और आश्रय देना शुरू कर दिया था। रिवॉल्ट 1857 देयर देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। और इसी बीच एक तो विद्रोह शुरू हुआ मेरठ में। ठीक है अब देखिए द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली। अब हमारे जो सैनिक थे वो दिल्ली की तरफ जाने लगे। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। अब वहाँ पर बोला जा रहा था बहादुर शाह लंबी उम्र हो। द रिबिलियन सेपरेट विडर। अब जो विद्रोह था वो क्या हो रहा था दूर दूर तक फैल रहा था। सेपरेट विडर मतलब दूर दूर तक फैल रहा था। मैनी लैंडलॉर्ड हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर श्योर। अब धीरे धीरे अंग्रेजों की नीतियाँ क्या हो रही थी बढ़ रही थी और ज़मीनें खो चुक रही थी जो खोरे जा रही थी। सो अब उनके अंदर क्या हो रहा था गोरों के लोगों का शासन समाप्त करने की इच्छा हो रही थी कि गोरों का समाप्त हो। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड यू वे विल हेल्प यू। यस वी विल हेल्प यू। हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरीके से ये विद्रोह उन्होंने यहाँ पर मतलब प्रॉपर वे में काम किया। ओके दैट्स ऑल टुडे बच्चों।